आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रेशम के कीड़े से रेशम हासिल किया जाता है और इसको किस तरह बड़े पैमाने पर पाला जाता है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। सिल्क का कपड़ा कम से कम 5000 साल पहले चाइना में बनना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ने लगी। रेशम का धागा रेशम के कीड़े से पैदा होता है जब वो अपने कोकून्स बनाते हैं। सिल्क की पैदावार के लिए बहुत सारे एशियन ममालिक में तजारती पैमानों पर सिल्क वर्म्स की पैदाइशो अफजाइश की जाती है। सिल्क से बनी बहुत सी चीजें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। फीमेल सिल्क वर्म एक ही बार में 400 से 500 तक अंडे देती है और फिर मर जाती है। ये अंडे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो कि आसानी से नजर भी नहीं आते और तकरीबन 2 हफ्तों बाद अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं जिन्हें लार्वा कहते हैं। लार्वा ताज़ा शहतूत के पत्तों को मुस्तकिल खाता रहता है और आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ शहतूत के पत्ते ही खाते हैं और अपना वजन 10,000 फोल्ड तक बढ़ाते हैं और अपनी लंबाई तकरीबन 3 इंच तक बढ़ाते हैं। लार्वा की 4 स्टेजेस हैं, फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार और फोर्थ इंस्टार। फिर ये अपने लाइफ साइकिल के प्यूपा फेस में दाखिल होता है। ये अपने मुंह में मौजूद सिल्वरी ग्लैंड से लिक्विड रॉ सिल्क खारिज करता है। जब ये लिक्विड सिल्क हवा के साथ मिलता है तो ये सख्त होकर एक धागा बन जाता है। प्यूपा में बदलता हुआ लार्वा उस धागे को एक मोटे और नरम कोकोन की शक्ल में अपने गिर्द लपेट लेता है। इसको रेस्टिंग फेस भी कहते हैं। ये आराम करने के लिए अपने गिर्द कोकोन बना लेते हैं। देखें ये किस तरह अपने आप को एक कोकून के अंदर कैद कर रहा है। कैद होने के बाद ही इनके जिस्म के बहुत से हिस्से बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बदल चुका है। प्यूपा को मारने के लिए 3 मिनट के लिए कोकून्स को उबाला जाता है इससे पहले कि ये एक माउथ में तब्दील हो जाएं। क्योंकि अगर वो कोकून से बाहर आते हैं तो सिल्क इसमें से कम निकलेगा और साफ बात है कि प्रॉफिट भी कम होगा। और बहुत से कोकून में से माउथ को बाहर आने दिया जाता है ताकि उनसे दोबारा अंडे हासिल किए जा सकें। कोकून को बॉईल करने से ज्यादातर चिपचिपा प्रोटीन जो इसे जोड़े रखता है वो पिघल जाता है जिससे लिपटा हुआ धागा खोलने में आसानी होती है। सिल्क हासिल करने के लिए एक वक्त में 30 से 50 कोकून में से धागा लिया जाता है। फिर कोकून्स को खोलने के लिए बहुत नरमी और हिफाजत से रील को घुमाया जाता है। 1 पाउंड सिल्क बनाने के लिए 2 से 3 हजार कोकून्स की जरूरत पड़ती है। कोकून्स को खोलना एक बहुत ही वक्त तलब काम है क्योंकि एक सिंगल धागा 9 प्रोफेशनल सॉकर फील्ड जितना लंबा हो सकता है। फिर धागे को ब्लीच किया जाता है ताकि ये सिंथेटिक डाई को अच्छे से अब्सॉर्ब कर सके, जिसके बाद इनको रेशमी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और पाकिस्तान में बहुत से लोग इसको घरों में भी पालते हैं और मुनाफा बख्श कारोबार करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि रेशम के कीड़े से रेशम हासिल करने तक का सफर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक